और विजय दिन के लिए बनाई है हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स। कई बनी माने के बहुत मस्त बने, बहुत मस्त बनी, जोरदार है, एकदम क्रिस्पी। होटल करता पर बहुत मस्त। तो अभी मैं भी चिप्स को टेस्ट करके बताती हूँ। बता नहीं माँ क्या तुम्हें क्या जादू है, जो भी बना तो अभी मैं भी ऊपर ही आ गई और अभी आपको बैकग्राउंड में चाहिए आएगी क्योंकि उनका स्ट्रीमिंग अभी चालू है। स्ट्रीमिंग तो नहीं, ऐसे ही आज तो गेम खेल रहा है। सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, मैंने थोड़ी अलग तरह से बनाई है। फिर से जब माँ बनाएंगे तब मैं आपको रेसिपी दूंगी। मैंने ये न्यू मैटर से बनाई है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। मैं भी अभी ऊपर ही आ गई क्योंकि माँ पापा तो ऐसा कुछ खाते ही नहीं है। दोपहर को या शाम को हो तो कभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वरना ये इवनिंग के टाइम पे या ब्रेकफास्ट में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो भी जयदीप गेम खेल रहा था तो उनको गेम खेलते खेलते खाना था, तो मैं भी ऊपर आ गई। मुझे खाना पसंद नहीं है तो अभी बस जयदीप का जो कार्टून है वो मरने ही वाला है, तो जयदीप भी नीचे आ रहा है खाने के लिए। गेम पूरी होने वाली है जयदीप की। तो इतनी सारी चीज बनाई थी, मैं सिर्फ इतनी ही बची है, सारी पूरी हो गई है, बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे मेरी चाय भी खत्म हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो भी आ रही है बहुत जोर से बारिश और इतनी तेज बारिश में माँ कुछ बना रहे हैं न्यू नाश्ता। आज माँ नाश्ता बनाएंगे, आज मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज माँ को कुछ नया बनाना था। अभी उनका नाम भी डिसाइड नहीं किया है क्योंकि ये नाश्ता माँ पहली बार बना रहे हैं। सब वेजिटेबल्स को मिक्स करके न्यू तरह से न्यू रेसिपी बना रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ माँ क्या बना रहे हैं, वो देख के आप लोग सजेस्ट करना कि इनको क्या नाम दे। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ। अभी बन ही रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो आज मम्मी ने खाया अच्छा है, थोड़ा जल्दी खा रहा है वरना तो ब्रेकफास्ट करने के बाद खाता है। तो आज पहले तो खा रहा है मैंने तो खा लिए है। जयदीप को उठ के डायरेक्ट कुछ खाना पसंद नहीं है, वो लेट से खाता है। तो अभी माँ जो न्यू रेसिपी बना रहे हैं, इनके लिए आटा बुन के रखा है। ये चावल का आटा और बेसन का आटा है। बेसन का आटा तो थोड़ा सा ही है वरना चावल का आटा है। और सब वेजिटेबल्स है, कैरेट, गोभी, गोभी के भाई हाय, गोभी, हरी मिर्च, मटर, प्याज, लहसुन, आलू, बहुत कुछ डाला है। तो अभी ये छलनी जैसी डिश ली है, उनमें अभी आटे को रखा है और इनको स्टीम करेंगे। अभी ये आटा ही बहुत टेस्टी लग रहा है तो ये रेसिपी तो बहुत टेस्टी ही बनने वाली है। तो अभी ये तपेली में पानी हो और इनके ऊपर ये डिश रख दी है जिससे ये बॉयल हो जाए। तो उनके बाद मैं क्या करेंगे देखते हैं। तो अभी नाश्ता रेडी है और यहाँ पे और आटा भी बॉयल करने के लिए रखा है। बहुत टेस्टी बना है, बहुत मस्त बना है। कर मर्चा नहीं दही नहीं था। अभी यहाँ पे जो बॉयल करने के लिए रखा है वो बॉयल हो गया है। आटा बॉयल हो गया है, फिर इनको भी ऐसे बेक कर लेंगे। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, सब वेजिटेबल्स से बनाया है। अभी जयदीप और पापा टेस्ट करके बताएंगे मैंने बनाया है वो कैसा बना है। क्या बना है ये तो बताओ। उनका नाम तो नहीं पता न्यू रेसिपी है, सब वेजिटेबल्स से। सब वेजिटेबल है इसमें। गाजर को भी, वटाणा, दूधी, डुंगड़ी, बटेटा, बहुत ज्यादा बड़ा वेजिटेबल्स से बनाई है। बाकी मसाला नाकी बहुत टेस्टी बने, पिज्जा करता बहुत टेस्टी बने खरोखर बहुत मजा आवे है।
ब्रेकफास्ट तो हो गया तो मैं अभी चाय बना लेती हूँ। आज चाय के साथ किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना था तो अभी मैं चाय बना लूँ और फिर चाय पी के काम लेते हैं हाथ में। तो अभी मैं डाल देते हैं चाय की पत्तियाँ और शुगर। बारिश के टाइम में बालकनी में बैठ के चाय पीने की मज़ा ही कुछ और है। अब मौज पड़ी चाय। तो अभी इनमें डालते हैं अदरक। अदरक तो को पीस लेती हूँ तो अभी ये पीस लिया है तो इनमें डाल देती हूँ अदरक। बहुत तीखी तीखी चाय है तो अभी लो फ्लेम कर देते हैं और इनको आराम से पकने देते हैं। हेलो, बैकग्राउंड में कपड़े आ रहे हैं तो उनको अवॉइड करना क्योंकि अभी लाइट नहीं है तो अंदर तो वीडियो नहीं बना सकते। और अभी बहुत ज़ोरों से बारिश आ रही है तो इसलिए हम बालकनी में ही बैठे हैं। और तेजित ने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ लेकिन नेट भी नहीं है। वीडियो बंद हो गया है लेकिन अपलोड नहीं होगा, शायद दोपहर को आएगी लाइट क्योंकि आज मॉर्निंग से कंटिन्यू जोरदार बारिश है। अभी तो कम हो गई है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार थी। मैंने वीडियो बनाई है, मैं अभी वो भी एडिटिंग में डाल दूँगी। बहुत ज़ोरों से बारिश आ रही थी, जब मैं उठी थी ना तब तो इतनी आवाज़ आ रही थी बारिश की। खिड़की बंद थी फिर भी इतनी आवाज़ आ रही थी। एडिटिंग में डाल दीजिए। तो अभी भी बारिश आ रही है और अभी यहाँ पे बालकनी में अच्छा लग रहा है। माँ पापा को भी बुलाया है, अभी आएंगे लेकिन माँ तो नहीं आएंगे शायद, काम है। और मुझे भी अभी थोड़ा बहुत काम है वीडियो का वो निपटा के मैं भी नीचे जाने वाली हूँ क्योंकि आज है रांधन छठ तो रसोई बनानी है। बोल थेपले और जीरा पूरी तो कल बना लिए थे, बिस्किट वाली जीरा पूरी भी बना ली है, अभी चेवड़ा भी बना लिया है। अभी क्या बनाना है, हाँ और कल जो थेपले बनाए थे ना वो पतले थे एकदम क्रिस्पी वाले, तो आज थोड़े सॉफ्ट बनाने हैं। तो अभी फिर से थेपले के लिए आटा गूंदा है थोड़ा थिक और सॉफ्ट बनाने के लिए, और गाठिया भी बनाना है। अभी ऐसा हो गया है कि सातम है तो रंधन छठ के दिन हम सब कुछ बनाए, वरना यहाँ पर कोई खाता भी नहीं है, सिर्फ डेविड कभी कभी ब्रेकफास्ट करता है वो ही, जब बनाए तब थोड़ा बहुत खा लेते हैं, चख लेते हैं बस इतना। अभी मुझे थोड़ा सा ही काम है 10-15 मिनट का, वो हो जाए उनके बाद में नीचे जाती हूँ, माँ को हेल्प करती हूँ। क्या कर रही थी? नहीं हो अभी पब्लिश करो, जल्दी करना है, कर दो अपलोड नेट तो है। ओके खाली पब्लिश कर ली, ये ले चार्जिंग में, पावर बैंक में चार्जिंग में। हाँ यहाँ કાંતો જો આહન આહન એટલો સ્ટ્રોંગ છે કે દરવાજો તૂટી ગયો તો પણ ના લાગ્યું આહનને, કેટલો સ્ટ્રોંગ છે આહન, રડતો પણ નથી એટલું લાગ્યું તો ઓય વિડિયો બનાવું રડમાં આહનું આમ જો બધાને હું એમ કહું છું કે આહન કેટલો સ્ટ્રોંગ છે, કેટલો સ્ટ્રોંગ છે આહન, કઈ દેસ આહન આટલો બધો સ્ટ્રોંગ છે, કેટલો સ્ટ્રોંગ છે જો, क्या रड़तो पण नथी आहन। तो ध्यान का वीडियो कॉल था, उनका कान आप देख रहे होंगे फुल लाल था क्योंकि आहन को चोट लगी है आज और कुछ ज़्यादा ही लग गई है हाथ में, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, होगा ही क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लगा है। तो मैं वीडियो बना रही थी, आहन का क्या था कि जब वो रोता हो तब हम उनका वीडियो शूट करने लगे ना तो इतनी जोर से क्यों ना रोता हो, फुल स्माइल दे देता है चेहरे पर, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लग गया था इसलिए रो रहा है, वरना तो मैं जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ ना तब शांत हो जाता है। अभी बारिश स्टार्ट हुई है, उनके 3 घंटे हो गए हैं और 3 घंटे से कंटिन्यू ऐसे ही जोरों से बारिश आ रही है, पता नहीं आज बंद होगी या ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। थी बना रहे हैं रसोई, यहाँ पे मैंने मुझे बाफ लेना है इसलिए पानी गर्म करने को रखा है और यहाँ पे मैंने बनाया है ओरा टेस्टी टेस्टी बाफ था, दो का थोड़ा पानी ऊपर
जो अभी बाफ के लिए पानी गर्म हो गया है, और ये ली है विक्स, तो थोड़ी विक्स डाल देती हूँ और फिर स्टीम ले लेती हूँ। इससे उधरस गले में सब में राहत मिलती है। तो अभी स्टीम भी ले लिया, गला भी क्लीन हो गया, और अब बनाने हैं थेपले। अभी फ्रेश होके थेपले बनाना स्टार्ट करते हैं। और अभी गर्मी गर्मी हो गई, स्टीम लिया है ना, तो अभी यहाँ पे सॉफ्ट वाले थेपले भी बन गए हैं, लेकिन अभी थोड़े से है वो और न्यू स्टाइल से बनाने हैं, तो रख दिए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। ये सारे है वो थोड़े न्यू स्टाइल से बनाने हैं थेपले। कल बनाए थे वो क्रिस्पी वाले थे, ये सॉफ्ट वाले हैं, ये सॉफ्ट बनेंगे। तो अभी यहाँ पे सारे थेपले बन गए हैं, पापा जा रहे हैं बाहर। तो अभी फाइनली सारा काम किचन का हो गया है, सतम आठम के लिए भी सब कुछ बन गया है, और किचन भी क्लीन हो गया और टेबल भी क्लीन हो गया है।